ये जो मैं छोटा सा वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का नहीं है। मेरा दिल्ली में एक दोस्त है कुकू मालिक, उसने मुझे फॉरवर्ड किया है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मेरे दिल को ये वीडियो छू गया, इसीलिए मैं आपके साथ ये वीडियो पेश करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। कुछ ऐसा था, मतलब एग्जैक्टली नहीं है, पर कुछ ऐसा था कि अच्छा आदमी था, है ना, बहुत अच्छा आदमी था। अरे कुछ ना कुछ तो कहना था ना, उसके जनाजे में कुछ तो बोलना था ना, अगर नहीं कहते तो जमाने को तुम्हारी अच्छाई पे शक हो जाता। अच्छा बताओ, अगर अच्छा था तो उसे अच्छाई का हिसाब क्यों नहीं दिया जब वो जिंदा था? हफ्ते भर से वो पूछ रहा था ना, कभी उसके सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? वो पूछता था कि मेरी जिंदगी में दुख के सिवा और कुछ नहीं है, तो हंस के कह देते थे, तू इसके सिवा कुछ और भी पूछेगा क्या? नहीं, काश इसी हंसी ठाके के सिलसिले को तोड़ कर देखा होता। काश कि जितनी बार उसको अलविदा कहा है उसी रास्ते पे कभी मुड़कर उसको देख लिया होता कि वो वहां से कहां गया है। वो घर नहीं जाता था, अपनी गाड़ी किसी कोने में अंधेरे में खड़ा करके अकेला गाड़ी में बैठ के रोया करता था। कहता था, क्यों ये चारों तरफ दुख मेरे पीछे पड़ गया है। रोता हुआ अपनी मां को याद करता था, कहता था, मां कितना दुख है, क्यों मुझे इतना दुख मिल रहा है? मां मैं अकेला हूं, मां तू मुझे छोड़ के चली गई। मां तुम सब लोग जानते थे ना, कुछ दिनों से वो अलग अलग सा रहता था, दूर सा रहता था। कहा तो था उसने, मिलो, मुलाकातें करनी है, जो किसी और से ना कही वो तुमसे बातें करनी है। और तुम कहते थे, लो ये फिर से शुरू हो गया। दो तीन जोक्स व्हाट्सएप कर देते थे और सोचते थे कि वो समझ जाएगा, अच्छा आदमी है ना, समझ जाएगा। काश उसे एहसास दिला दिया होता, काश बिना वजह गले लगा लिया होता, अपने पास बिठा लिया होता, काश ये जानते कि हर रोज वो जानबूझकर बिना कुछ खाए बेहोश कैसे हो जाता है, काश ये समझते कि वो बोलते बोलते अचानक खामोश क्यों हो जाता है, काश उसके लिए ही उसके साथ लड़ लिया होता। उसी के घर की दीवारों से ज्यादा काश उसके चेहरे को पढ़ लिया होता, सिर्फ उसकी कब्र से एक ही आवाज आएगी अब कि अगली बार मेरे जैसा अगर कोई मिल जाए तो उससे बातें करना, मुलाकातें करना, उसका दिल रखना, उसके घर जाकर उसे तोहफे देना और उस गंदे मानूस फंदे फांसी के फंदे को खिड़की से बाहर फेंक देना। तब वो शायद जिंदगी जीने का हौसला करेगा, तब वो शायद खुश रहने का फैसला करेगा। ये बातें हम सब जानते हैं, हम सबको पता है, पर आज कहना लाजमी था ताकि तुम किसी के घर जाके सफेद लिबास पहनकर ये ना तुम्हें कहना पड़े कि वो एक अच्छा आदमी था, वो एक अच्छा आदमी था। थैंक यू, सॉरी, आई गॉट अ लिटिल, थैंक यू।